हेलो गाइस, सुप्रभात। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे और एक न्यू वीडियो में। ये माँ के घर का ही वीडियो है। मैं हमारे ये जो सामने देख रहे हो, ये नामघर होता है हमारे असमिस लोगों का, पूजा करने की जगह होती है। तो मैं उसी के लिए पूजा की थाली रेडी कर रही थी। तो साल में एक बार ही मुझे घर आना होता है। और ये है हार्दिक, मेरे साथ हार्दिक भी जा रहा है। अभी सुबह सुबह का टाइम है। मैंने नहा धो के बिना कुछ पानी पिए कुछ खाए मैं अपनी पूजा घर के लिए निकल चली हूँ। ये देखिए, बहुत सारी मेमोरी यहाँ पे जुड़ी हुई है। बचपन में यहीं पे खेली हूँ, यहीं पे बड़ी हुई हूँ। तो यहाँ पे जब मैं दिया बाती कर रही थी ना, तो आंखों मतलब एकदम इमोशनल हो गई थी। सब कुछ याद आ गया था बचपन की। ये देखिए, बहुत बड़ा होता है हमारा जो नामघर होता है, बहुत बड़ा होता है। और ये जो है साइड में, वो हमारा घर होता है नामघर। और हमारा घर पास पास में ही है। तो और भी एक मजबूत सा, क्या बोलते हैं उसको, इमोशन है नामघर के साथ। तो पता नहीं सकती, तो आना होता है कम घर में। तो इसलिए सोचा एक बार ही भगवान से मुलाकात करके जाती हूँ, दिया बाती करके जाती हूँ। हार्दिक भी आया नहीं है नामघर में, तो हार्दिक को भी मैं लेके आई हूँ। ये देखिए, और सामने जो पॉन्ड दिखाया था ना, वो नामघर का ही पॉन्ड है। हार्दिक को मैं एक्सप्लेन कर रही थी कि हम बचपन में यही पे, हाँ बचपन में जब हम यहीं पे स्विमिंग सीखते थे, और हमारे जो फ्रेंड्स लोग थे, साथी थे, सबके साथ यहीं पे स्विमिंग करने के लिए आते थे। तो ये हूँ मैं, हमारा ट्रेडिशनल जो ड्रेस है, चादर मेखला पहन के आई थी। तो ये नामघर से निकल के आ चुकी हूँ। और यहाँ पे नामघर के पास ही किसी कारण से एक बहुत बड़ा पेड़ गिर गया था, मतलब तूफान में, उसी पेड़ में हार्दिक चढ़ा हुआ है। तो आज है सैटरडे, हाँ तो मैं कल संडे को जाने वाली हूँ। जब मैं इसमें वॉइस ओवर कर रही हूँ, वो सामने हमारा घर है, जो वॉइस ओवर कर रही हूँ तब तो घर में आ चुकी हूँ। तो ये देखिए, बहुत बड़ा पेड़ है। हार्दिक को मोस्टली ये सब मिलता नहीं है। तो पूजा करने के बाद घर आ गई थी, और शाम का टाइम है। तो शाम के टाइम में किसी एक एक्ट में के लिए यहाँ पर शूटिंग हो रही थी। हमारा जो पूजा स्थल है नामघर, वहाँ पर भी शूटिंग हुई, और यहाँ पर भी शूटिंग चल रही है हमारे घर के पास में ही। जो हार्दिक जिस पेड़ में बैठा हुआ था ना, उसी पेड़ के पास ही शूटिंग हो रही है। और इसमें मेरी माँ भी है, और मैं भी थोड़ा सा, ये देखिए मैं हूँ, मैं भी थोड़ा सा शूटिंग देखने के लिए चली आई थी यहाँ पास में। मेरे पापा भी है, सब कुछ। और डे देखिए, मेरी माँ भी है, दिखेगी आप लोगों को। यही लोग शूटिंग कर रहे थे एक्चुअली, कुछ मतलब वैम्पायर टाइप का कुछ है। मेरी माँ भी, उन्होंने भी एक्ट किया था, कुछ पिक्चर बना रहे थे। उन लोगों को कुछ ऐसे चेहरे की जरूरत थी, तो उन लोगों को ऐसे वैम्पायर बना के मतलब एक्ट किया, तो अच्छी बात है। तो रात हो गई है। तो हमारे घर में एक कॉरिडोर रहता है बाहर जाने का, वहाँ पे हार्दिक एकदम से लाइट लगा के देख सकते हो क्या कर रहा है। एकदम मुझे बोल रहा है कि मम्मी आप डांस करो, तो मैं भी यहाँ पे डांस ही कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हो। उसने जैसे कि पूरा ये कोना ना अंधेरा कर रख दिया उसने, और बोल रहा है कि मम्मी डांस करो। तो मैं भी थोड़ा सा उसके साथ डांस करने में लग गई हूँ। ये रात के 8:30 बजे का टाइम है शायद। आज मेरी बड़ी दी और बुआ घर में खाना खाने के लिए आने वाली है, तो सभी लोग आने वाले हैं। तो जिसके कारण हम दोनों भी खुश हैं और सभी लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो सारे लोग आ गए हैं, मेरी दी की बेटी, बुआ की बेटी, सारे लोग यहाँ पे आ गए हैं। और वो लोग अंदर में ही बैठ के खेल खेल रहे हैं, सारे बच्चे मिलके यहाँ पे। और अंदर मेरी माँ, मेरी दी और मेरी बुआ सब मिलके हम खाना बना रहे हैं, और क्या खेल खेलता रहता है पता नहीं। हार्दिक तो यहाँ पे पूरा मस्त, पूरा एंजॉय कर रहा है एकदम से, मतलब लोग मिले है ना, पूरा एंजॉय कर रहे हैं हार्दिक, देख सकते हो। तो गाइस, खाना पीना हो गया और शूटिंग नहीं की, क्योंकि ये सुबह का टाइम है। सुबह
संडे हो गया था मैं हाँ घर के लिए निकल आई थी, देख सकते हो मतलब स्कूल के लिए। हाँ मेरी मायके में मेरा दिन खत्म हो चुका था तो निकल आई थी मैं अपनी सिटी के लिए बहुत ही भारी मन से। तो गाइस ये मेरा लास्ट वीडियो है मायके का, उसके बाद मायके का कोई वीडियो आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तो धीरे धीरे से गाड़ी हमारे तेजपुर सिटी की तरफ बढ़ती गई, हम भी आते चले माँ के घर की बहुत सारी यादें इमोशन साथ लेके फिर कभी चलेंगे जब भी मौका मिलेगा। तो गाइस होप कि आप सभी लोग को ये लास्ट वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरे साथ मेरे भाई भी आए।